नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नई भर्ती का ऐलान हुआ है। ऑफिशियल साइट पर अभी नोटिस आया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टोटल पद, ठीक है, जो यह पद है मुहर्रिर का, जिसे हम लोग आम भाषा में मुहर्रिर कह देते हैं, ठीक है। खनन विभाग की तरफ से है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टोटल कितने पद हैं और पेट के हैं, क्या इसमें पेट 2021 अप्लाई होगा, योग्यता क्या रखी गई है यानी क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल इंटर, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन, और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा मुहर्रिर मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 सातवां, ठीक है, यानी कि परीक्षा आने वाला, परीक्षा का प्रस्ताव पहले से ही था। ऑनलाइन इसका 29 तारीख 10वां महीना से शुरू हो जाएगा और आवेदन करने की लास्ट तिथि 18 तारीख रखी गई है और संशोधन 25 तारीख तक आप यहां पर कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर देखते हैं इसमें क्या क्या खास है। तो विज्ञापन संख्या यहाँ पर 7वां महीना 2022 है। मुहर्रिर पद का क्या नाम है, मुहर्रिर, ठीक है, इसकी मुख्य परीक्षा के लिए यह है। टोटल पद यहाँ पर देखेंगे तो टोटल पद यहाँ पर मात्र 92 हैं। तो यहाँ पर कितने पद हैं, 92 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं और इसके बारे में डिटेल, आवेदन की प्रक्रिया इसमें क्या रखी गई है, क्या क्या है। तो इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें पेट ज़रूरी है कि नहीं। तो देखिए, इसमें पेट पूरी तरीके से ज़रूरी है। यदि आपने वर्ष 2021 का पेट का फॉर्म दिया है, PET यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यदि आपने दिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद ही आप इसके परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पेटी होना बहुत ज़रूरी है, पेट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखते हैं फ़ोटो तथा हस्ताक्षर इसमें लगेगा ही, और जो जो यहाँ पर मुख्य बातें हैं इस वीडियो में हम लोग जान जाते हैं। यदि आपका इसका PDF यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड पर आ जाइएगा, वहाँ पर हमने PDF डाल रखा है। अब देखिए, इसमें कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा ही किया जाना होगा। और मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी यहां पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। यहां पर फीस देख सकते हैं तो 25-25 रुपया सभी के लिए यहां पर रखा गया है। और मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना यहां पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर टोटल पद की संख्या देख लेते हैं। तो विभाग का नाम क्या है यानी किस विभाग की तरफ से यह भर्ती आई है, तो भूतत्व एवं खनिक कर्म यानी कि जो खनन विभाग होता है, भूतत्व विभाग होता है, उसकी तरफ से आई है। और इसके पद का नाम क्या है, मुहर्रिर, ठीक है, मुहर्रिर का पद है। इसमें वेतन की बात करें तो 5200 से यानी कि ग्रेड पे यहाँ पर वेतन मान देखेंगे तो ग्रेड पे यहाँ पर 1900 रुपया है, ठीक है, 1900 रुपया यानी कि इसमें आपका लगभग मान के चलिए 20,000 से शुरुआत होगा, ठीक है, 20-21,000 से शुरुआत होगा। तो यहाँ पर दे भी दिया है लेवल 2 की जॉब है, लेवल 2 का यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा, 1900 ग्रेड पे की जॉब है। उम्र 18 से 40 वर्ष रखी गई है। अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए यहाँ पर सीट 41 है। अनुसूचित जाति के लिए 19 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 0 यानी कि 2 पद है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 2 है यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए। OBC के लिए यहाँ पर देखेंगे तो OBC के लिए 21 सीट है और EWS के लिए 9 सीट है। कुल टोटल 92 पद हैं। यहाँ पर पद लिखा हुआ है अस्थाई, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। यह अस्थाई कोई भी वैकेंसी आती है तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर अस्थाई ही रहती है। यह जो वैकेंसी है पूरी तरीके से गवर्नमेंट है, परमानेंट है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्षैतिज पदों यानी कि जो क्षैतिज आरक्षण है, तो क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर पदों की संख्या 1 है और दृष्टिबाधित के लिए 1 और यहाँ पर जो कम सुनते हैं उनके लिए भी 1, यानी कि टोटल यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण भी दे दिया है। और यहाँ पर सैन्य भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पद है, महिलाओं के लिए यहाँ पर 18 पद हैं, ठीक है। तो यह जो है क्षैतिज आरक्षण है। और खिलाड़ियों के लिए पद की संख्या 1 यहाँ पर रखा गया है। अब देखते हैं इसमें अनिवार्य योग्यता यानी कि इसमें क्या चाहिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ध्यान से देखिए, इसे यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश भूतत्व खनिकर्म खदान कार्यालय लिपिक वर्गीय नियमावली इतना के तहत
प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा है, यानी आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करनी होगी या फिर उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर ट्वेल्थ चाहिए। और यहाँ पर तो यह कुछ लिखा नहीं है साइंस साइड से या फिर आर्ट साइंस से, तो इससे कोई मतलब नहीं, बस आपको ट्वेल्थ उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर अधिमानी अर्हता लिखा है, तो अधिमानी अर्हता पर ध्यान नहीं देना है, यह यदि आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आयु कब से लिया जाएगा, तो आयु 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को 18 वर्ष आपका हो जाना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, यानी कि 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यह हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, मुहर्रिर की लिखित परीक्षा है के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी जितने लोग आवेदन किए करेंगे वैकेंसी के सापेक्ष 15 गुना लोगों का यहाँ पर फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यह 15 गुना केवल लिखता है लेकिन लगभग 30 गुना यहाँ पर लेता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो जाए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो यह जो इसका वैकेंसी था इसके बारे में हमने बताया। कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।